यहाँ पे एक फूड कार्ट मुझे मिला है और इसके ऊपर है लाइव श्रिम्प सैलेड। वो ऐसे ही एक्वेरियम पड़ा हुआ है, उसमें श्रिम्प टुप 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 करते फिर रहे हैं। इन्होंने निकालने श्रिम्प सभी। ओए होए होए होए, जिंदा जिंदा। थोड़ा सा स्पाइसी और साथ में सॉल्ट। ओए भर के ही डाल दिए। ओए हो गया। ओ तेरी ऐसी तैसी। देखा ये वाला। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, पैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नहीं चाचा, हमको टुक टुक नहीं चाहिए, जानदे बंद चाचा बशीर। खैर, बैंकॉक थाईलैंड में आज हमारा चौथा दिन है और असलान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। क्या हाल है असलान? फ्लाइट कैसी रही? फ्लाइट सही रही। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पिछले जो आपने वीडियोज़ देखी है बैंकॉक की, हम सब ने आना ही इकट्ठे था लेकिन अरसलान का वीज़ा डिले हो गया था तो इस वजह से वो थोड़ा काम लेट होता गया। आज खैर अरसलान बैंकॉक पहुँच चुका है। अब चारों बॉयज़ इकट्ठे हो चुके हैं और फिलहाल हम लोग हैं इस तरफ नाना प्लाजा है, सुकुम बेत एरिया ये, और यहाँ पे एक रोड है जहाँ पे बहुत मुस्लिम फूड आपको मिलता है। अरबियों ने दुकानें खोली हुई हैं, इंडियन फूड बहुत ज़्यादा है। तो साथ उमेर है और हसन है जिनको आप देखते हुए आ रहे हैं। मेरा ब्लॉग नहीं शुरू हुआ अभी, अभी शुरू करूँगा। फिलहाल इन्जॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़े का मौसम है बैंकॉक का। आज फिर से है कि शायद बारिश हो, फिर मज़े मज़े के कुछ खाने खाएंगे जो जो मिलता रहेगा। कुछ जगहों पे जाएंगे, कुछ जगह नई नई देखेंगे, नए नए खाने खाएंगे। वेलकम टू बैंकॉक थाईलैंड ए फोर। हेलो, ओए ओए, अपना इशारा खुला, जल्दी आ जाओ। ऐसे बंदे इशारे तुरना पैंता है। अभी खैर हम लोग पीछे वो गली से निकले हैं, अभी ये बिल्कुल सामने स्टारबक्स है, वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी शॉपी पीते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ पे जाना है। कैफ़े में आके हम लोग बैठे हैं, तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं और हमने यहाँ पे, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, हल्की हल्की गर्मी फील हो रही है, तो हमने प्लान फाइनलाइज़ ये किया है कि अभी एक जगह है जहाँ पे थाई लोकल लोग बैठ के खाना खाते हैं तो वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद एक मार्केट है, वो फूड है। अभी आज का और कल का हम प्लान फाइनलाइज़ कर रहे थे, अभी एक ज़रा कॉफ़ी शॉपी पियेंगे, एक घंटा और यहाँ पर बैठेंगे ताकि बाहर धूप वगैरह थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद आगे। ओके, टू चॉकलेट क्रीम चिप ग्रैंडी, अनदर चॉकलेट क्रीम चिप, थ्री, चार। मैंने अरसलान और हसन ने लिए चॉकलेट क्रीम चिप और उमेर तूने कौन से लिए? यूजू। अभी ये पी रहे हैं ताकि गर्मी दूर भागे, लेकिन उमेर आज भी गर्म पी रहे हैं। हर 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 बार अलग करूँगा कुछ। हम लोग पहुंच चुके हैं राम खाम हिंग। गुड नाइट, नहीं फूड नाइट मार्केट, नाइट मार्केट, फूड मार्केट नहीं, सिर्फ फूड प्लस ओवरऑल एक शॉपिंग। इसको मतलब वो जो हमें लेके आया है टैक्सी वाला बंदा, वो इस तरह बोल रहा था राम खाम हिंग, तो ये बड़ा लंबा सा इसका नाम है गूगल मैप्स पे, राम खाम हिंग। और यहाँ पे बेसिकली ये कौन सा स्टेडियम है? ये टेनिस कोर्ट है, पीछे एक स्टेडियम है, बहुत बड़ा सा ये एरिया है। और सुखमवित वाली साइड से तकरीबन 25 किलोमीटर से दूर, और साइड पे स्कूटियां तकरीबन कितनी होंगी अंदाज़ा लगा? 200-300 ज़्यादा है, दो ढाई तीन सौ स्कूटियां खड़ी हैं। ये इस तरफ एक पूरा पार्क है, वो पीछे सारा एक मतलब ये मार्केट है, नाइट मार्केट है। ये दोपहर को 3:30 खुलती है, माहौल शुरू होता है 6-6:15 बजे। तो यहाँ पे भी हम लोग अंदर जाएंगे, बहुत लोग हैं, पार्क है, लोग पिकनिक कर रहे हैं। इस तरफ ये टेनिस कोर्ट वगैरह है, तो अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे 70% हलाल फूड होता है। उधर से ही चलते हैं, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से देखा था। मेरे ख्याल अंदर पार्क ही है, सिर्फ अंदर पार्क ही है। सो बेसिकली ये सारा पार्क है और पार्क से इस तरफ यहाँ से आपको ये सारी मार्केट शुरू होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से लेके वो सीधा 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 एंड तक ये पूरी नाइट मार्केट है। इसके अंदर आप देखते हैं कि क्या क्या खुबा हुआ है इस पूरी मार्केट की दुनिया में। तो बेसिकली ये जो मार्केट है, ये एक तरह से स्ट्रीट फूड हेवन है। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बैंकॉक के अंदर पहले सड़कों के ऊपर जगह जगह स्टॉल्स होते थे, बट 2-2.5 साल पहले एक लॉ पास हुआ था कि थाईलैंड के अंदर के बैंकॉक में किसी भी जगह सड़कों पे आप अपने फूड कार्ट्स नहीं लगा सकते। उसके लिए इन्होंने शहर में डिफरेंट जगह बना दी थी, शहर के डिफरेंट पोर्शंस में
डिफरेंट फूड एरियाज बना दिए थे। उस एरिया के अंदर जितने भी स्ट्रीट फूड कार्ट थे उनको बोला कि उठा के अपने कार्ट इधर लेके आओ, यहाँ पे लोग आएंगे यहीं खाना खाएंगे, सड़कों के ऊपर तुम नहीं खड़े हो सकते। उसे ये पहले ये एक हसलिंग बसलिंग सा सिटी है तो वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब होती थी। अब ये यहाँ पे ये एक तरह से फूड कोर्ट है, ओपन एयर फूड कोर्ट, तो इसके अंदर हज़ारों तरह की मतलब मुझे लाइन में जहाँ तक नज़र जा रही है लोग चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट यहाँ पे स्क्विड लगे हुए हैं, गोले लगे हुए हैं, थाई स्टाइल गोला, प्लस उसके बाद सामने सी फूड नज़र आ रहा है, थाई फूड जितना भी है, ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड वो यहाँ पे लोगों के सरों के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत बहुत माहौल वाली जगह है। बशीर भाई, बशीर हलाल है की है तेरे को, व्हाट इज दिस स्क्विड? स्क्विड और इनके पास तो आते हैं एंड दिस स्क्विड। ओ ये बेसिकली सारा स्क्विड है, टोटल ये स्टॉल स्क्विड का है। अच्छा। और स्क्विड के अंदर डिफरेंट मतलब स्क्विड पूरे का बारबेक्यू हो रहा है, उसका मीट बना के बारबेक्यू किया हुआ है, उसके वो जो अलग मतलब एक स्क्विड को वो देखना जो उन्होंने मतलब जो सी ये लगा हुआ है ये वाला, ये इस स्क्विड की टांगे अलग करके वो रखी हुई है काट के। अच्छा। और उसका अलग से एक कीमा सा बना के उसके सीख कबाब बनाए हुए हैं। तो स्क्विड की डिफरेंट वैरायटी है स्टॉल के ऊपर, मैं मेरा ख्याल है कि सारी तरह की चीज़ें ट्राई करूँगा। मैंने चरसब का पूरा मेन्यू ले लिया है, दो प्लेन स्क्विड लिए हैं, दो मैंने ये स्क्विड मीट सीख कबाब टाइप जो लिए हैं रोल कह सकते हैं इनको, और दो स्क्विड के टिक्के बनाए हुए लिए हैं, और ये येलो क्यों है ये मुझे नहीं पता लग रहा है हल्दी लगाई हुई है थैंक यू। यही मज़े हैं, कार्ट से लो और पूरा खाओ। सबसे पहले मैं स्क्विड निकाल रहा हूँ क्योंकि बाकी बॉयज़ नहीं खा रहे, और ओए होए 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 ऊपर इसने चटनियाँ डाली हैं। चटनी जहरीली, मिर्चें पता नहीं क्यों डलवा ली। वैसे स्क्विड का टेस्ट जो है वो बारबेक्यू मतलब मुझे लग रहा था बहुत च्यूई हो जाएगा, लेकिन च्यूई नहीं हुआ। पहले भी इन्होंने कोई सॉस वगैरह डाल के उसको रखा हुआ है तो अच्छा लग रहा है। इसके नीचे से खा ले, खा के देख नीचे से खा ले। ये टांगे भी खा इसकी, ऊपर से खाऊंगा। खा टांगे इसकी ऊपर से खाऊंगा। हाय कीड़े खा गया, हाय स्पाइसी है काफी। इज इट हलाल? हलाल क्या? हलाल फूड, हलाल नॉट हलाल। सुशी हलाल फूड कार्ट मिल गया है यहाँ पे सिपियाँ पड़ी हुई हैं भाई, सिपियाँ ऐसी तो नहीं खा सकते क्योंकि इसके ऊपर हलाल का साइन नहीं लगा हुआ। और ये एक चाइनीज़ फूड कार्ट है, इस पर अन्यवा सुशी पड़ी हुई है और हलाल का बोर्ड भी लगा हुआ है, और सुशी का भाई वेरी है, तो मैं तो ये रज के एक तरह से खाऊंगा भी। ये जो सुशी स्टॉल है इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
उसका 5 बात है, तो मतलब अगर मैं 10-15 पीसेज मेरा तो मैं तो वैसे सुशी का एक वेरी आदमी हूँ और इतनी नस्ल की सुशी पड़ी है जो मैंने कभी देखी भी नहीं हुई। हमने मोस्टली जो है वो 5-6 टाइप्स की सुशी देखी हुई है, तो मैं तो एक बड़ा डब्बा अपने लिए बनाऊंगा, अकेला खाऊंगा पूरा। तो मैं तेरा डब्बा बनाता हूँ, हर टाइप की एक डालनी है मैंने। हाँ जरा जरा प्यार से अच्छा सा डब्बा तैयार करिए मेरा, ठीक हो गया। ये दूसरा, तीसरा, ये तो डब्बा, ये तो बहुत छोटा डब्बा है, ये फुल हो गया, इसको हाउ मच 100। मैंने एक डब्बा बनाना था लेकिन मुझे इतना कुछ है कि एक डब्बे में पूरा नहीं आया, तो मैंने 2 डब्बे बना लिए। 5 बात का एक पीस था और हमारा 100 रुपया बन गया। 100 रुपया नहीं, 100 बात। तो कितने पीसेज हुए, डिवाइड कर लो लिया। हमने, हम लोग सुशी लेके मार्केट से बाहर आ गए, अभी आगे पूरा मतलब पड़ा है सब कुछ, यहाँ बाहर बैठ के तसल्ली से सुशी खाएंगे। और सामने एक स्टॉल है, यहाँ पे ठंडी बोतल किस तरह से हो रही है, उन्होंने एक पॉट बनाया हुआ है, उसमें बर्फ डली हुई है और बोतलें अंदर डाल के घुमाई जा रहे हैं, तो वो ठंडी हो रही है। आप यहाँ से बोतल पकड़ो और सामने बैठ के लॉन है पूरा, जो मर्जी जैसे मर्जी खाओ, लोग अन्य वहाँ बैठे खाने खा रहे हैं। 2 Sprite, 1 Cola and 1 water bottle। होए 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 होए, ये दे दो मुझे जरा। होए 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 होए, ओह यार सुशी कोई मजा करवा रही है। बिलीव मी, मैं सोचता था कौन सी ऐसी जगह पे मैं कब जाऊंगा जहाँ पे मुझे सुशी स्ट्रीट फूड में मिलेगी, और आज मिल गई है। ओए होए, बिल्कुल येलो कलर की सुशी और ऊपर ऑरेंज कैवियार।
तुझे वो फ्री भी देना फिर भी ये ना ली यार। कुछ सुशी इसके अंदर बहुत मज़ेदार है और कुछ मुझे बेसिकली माकी बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लस कुछ इसके अंदर इनके अपने जो पता नहीं क्या क्या अंदर सॉसेज डाली हुई हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा ही, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि डिज़र्ट सुशी खा रहा हूँ, कुछ ऐसा लग रहा है आ हल्की सी ऐसे सॉल्टी सावरनेस वो फील हो रही है। मतलब एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। अगर आप सारी लो, अगर आपको पता है कि आपको कौन सी सुशी पसंद आती है, सुशी लवर के लिए सुशी हेवन है ये वाला फूड कार्ट। सस्ते में टिका के खाओ, अभी वापस भी लेके जाएंगे। बीच में से कुछ अच्छी लगी है, कुछ अच्छी तुझे? मुझे तो बहुत मज़े की लग रही है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? ओए होए होए, सिपियाँ नहीं खानी ऐसी जिस पे हलाल का साइन होगा हम वो खा सकते हैं। इधर हलाल का साइन है, इसमें सिर्फ पकौड़े चिप्स इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, ये नहीं खाएंगे। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज दिस? सूप फिश। सूप फिश, ओह ये पड़ा हुआ यहाँ पे। फिश सूप वन बॉल। ओह नूडल्स। अच्छा नूडल डाले हैं और उसके ऊपर फिश सूप। व्हाट इज दिस? एग्स। चिकन? चिकन एग्स। नो पिजन एग्स। बर्ड लोक कथा। बर्ड पिजन कबूतर। ओ यार मैं क्या बर्ड पिजन फलाना ढिमकाना नहीं समझ मैं। कबूतर के अंडे, एक थिक सूप, ऊपर ये थोड़ा सा इन्होंने ये चिकन डाला हुआ है और नीचे पड़े हुए नूडल्स। फिश तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है रुई रखी जुबान के नीचे। ओए फुल ऑन कबूतर का अंडा और साथ में सूप। थैंक यू आंटी ने 3 अंडे और दे दिए मुझे। अंडा अच्छा लगा सूप के साथ। यहाँ पे बहुत मज़े मज़े की कुछ डिज़र्ट कार्ड्स हैं, उन पे ब्राउनीज हैं, डोनट्स हैं, काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है बट उनके ऊपर हलाल का साइन नहीं है। चिकन स्पाइसी? नो स्पाइसी। ओके वन यस। एक बार भी क्यों डाल ले, एक इसमें स्पाइसी और माला दोनों छोड़ दे। स्पाइसी ना 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 ना, स्पाइसी ने अखीर कर देनी, बल्कि एक ले ले। ओए होए होए हैवी स्पाइसेस और कोरिया सॉस वाले एक ले ले। थैंक यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? डिफरेंस सिंपल, की फर्क है इन्हें। हाँ जी अरसलान साहब, हमने क्या 3 चीज़ें ली हैं? हमने ली हैं स्टिकी राइस विद मैंगोस, जो थाईलैंड का एक अल मशहूर डिज़र्ट है, अल मशहूर। उसके बाद हमने लिए हैं विंग्स। विंग्स लिए हैं 4 तरह के, गार्लिक फुली मसाला कोरियन और एक और तीसरी चीज़ हमने लिए एक चिकन। आंटी बेच रही थी स्टिक के ऊपर चिकन पूरा इतना बड़ा लगा के और किसी लाल वैशी सॉस के अंदर। अभी खाते हैं। ओए होए होए अन्य बार रश है, अब इस रश के अंदर हमने जगह ढूंढनी है दोबारा बैठने की। ये मार्केट है, यहाँ से कुछ भी लो, निकलो और यहाँ बैठ जाओ। लो जी खोलो जी, हमारे तो इधर फूड राउंड्स लग रहे हैं इतनी मोटी स्टिक के ऊपर लगा के। और ऐसा उमेर कैसा लग रही है? शक्कर गंदी। ओए होए इतनी स्टिकी सॉस। ओए ये तो मुझे मुर्गी की पूरी कमर लग रही है। सॉस देखने में लग रही थी बहुत स्पाइसी होगी और है माइल्ड, मतलब एकदम मुझे लगा मीठी है, लेकिन अब मिर्चें मेरी दवाई फेरनी शुरू कर रही है। ये 4 तरह के विंग्स और आप इनकी सॉस देख के खुद ही समझ सकते हो कि कौन सा कितना स्पाइसी होगा। और सबसे पहले मैं खाने लगा जो सबसे ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है। नहीं, जो रेड चिली का वो टेस्ट नहीं होता जो गर्म लगता है एकदम, वो है जो थाईलैंड की सबसे एक फेमस डिज़र्ट कह सकते हैं। ये एक पूरा मील है। ये करते ये कि स्टिकी राइस होते हैं, बॉइल्ड स्टिकी राइस विद मैंगो, ये कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ से लगाएंगे हम वाइट स्टिकी राइस। आया कितने दौड़े फिर हैं मैंगो का कॉम्बिनेशन। ये उधर करो, ओहो ओहो जस्ट ना कराए पैसे वापस। ओए होए ये बहुत आला लिथिल कॉम्बिनेशन है।
यहाँ पे एक फूड कार्ट मुझे मिला है और इसके ऊपर है लाइव श्रिम्प सैलेड। वो ऐसे ही एक्वेरियम पड़ा हुआ है, उसमें श्रिम्प टुप 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 करते फिर रहे हैं। छोटे छोटे एक्वेरियम के अंदर कोई हजारों श्रिम्प्स हैं, उसको वैसे ही पानी में से निकालते हैं, वो छलांगे मार रहा था कड़ुप पड़ुप पड़ुप पड़ुप, और उसको मतलब एक डब्बे में वो मसाला सा और सॉस सी बना के उसके अंदर वो डालते हैं, उसमें थोड़े से वेजिटेबल्स डालते हैं और वो श्रिम्प रेडी होता है। और वो अभी मैं बनवाने लगा हूँ, देखते हैं वो डब्बे में आने के बाद तक जिंदा रहता है कि नहीं। ओके, आई नीड वन। यस, ये जी इन्होंने निकालने श्रिम्प्स अभी। ओए होए होए होए, जिंदा जिंदा, ये देखो छलांगे बज रही है उनकी, छलांगे बज रही हैं। ओए होए होए होए, खाएगा? नहीं। ये थोड़ा सा स्पाइसी और साथ में सॉल्ट, और अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा ऑयल। ओए होए, थोड़ा नहीं बाबा, ये ऑयल पाता है। लेमन जूस, ऑयल और तीन मसाले मिक्स कर दिए, ये गए श्रिम्प्स अंदर। ओए भर के ही डाल दिए, ओए जिंदा श्रिम्प। ओए होए होए होए, लाइव श्रिम्प सैलेड। और अरसलान खा ले, उमेर, हम तीनों लाइव श्रिम्प। ये अभी भी अंदर छलांगे मारते फिर रहे हैं। मैं इसको खोलता हूँ, देखते हैं कोई एक आधा जो बाहर आया वो उमेर खाएगा। हो गया ही, ओ तेरी ऐसी तैसी, हो गया ही, ओए ये खा जे वाला। मार्केट में तमाशा तो लगा लिया। अच्छा जी, ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए मुझे सी इनकी अजीब लग रही है। असल में मसला मैं आपको बताता हूँ, मुझे इसको खाने में कोई 1% भी इशू नहीं है। मसला ये कि ये जिंदा है, और सी फूड हमारे लिए हलाल तब होता है जब वो पानी के बाहर पका हुआ हो, मरा हुआ। हाँ मतलब कुछ तो हुआ, ये तो बिल्कुल रॉ है, कुछ जिंदा है, मैं इनको खा नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि अगर ये जिंदा है तो मेरे लिए हलाल नहीं है ये, तो मैं अभी ये किसी को दूंगा, खा नहीं मैं सकता इसको। ओए टप टप के बाहर जा रहे ने, आ जा मार्केट में तमाशा लगा बंद करो। इज इट हलाल? हलाल। अच्छा, ओ एक और जगह से पूछेंगे अभी। मुझे मतलब मुझे जो लग रहा था वो मैंने सोचा, अभी मैं ये जो हलाल कार्ड्स हैं जो मुसलमान हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये मेरे लिए हलाल है कि नहीं। अभी एक दो और हलाल हम शहादतें लेंगे, उसके बाद मैं खाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। इज इट हलाल? लाइव श्रिम्प्स, इज इट हलाल? हलाल हलाल, सब कह रहे हैं हलाल। और पूछते हैं एक एक और, एक और के नो नो नॉट हलाल, नो हलाल, नो हलाल। क्या कह रहे हैं अरसलान? बहुत कन्फ्यूजन है भाई। यार ये तो बहुत, जब तक दो शहादतें मिली थी मैं खुश हो रहा था कि नहीं, मतलब ये यहाँ के लोग मुसलमान जो हैं उन्हें पता होगा ये लोग खाते होंगे, हलाल होगा। लेकिन वो आगे से दो लोगों ने अब कह दिया है कि हलाल नहीं है, और दो तीन लोगों ने कह दिया कि हलाल है, तो मैं इसको नहीं खा रहा। मेरे ख्याल क्योंकि इसके बिना वो थोड़ा सा होगा शायद मकरूह वाली सेंस में, तो उसको हाँ। कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रांगली लेते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खाएंगे और कुछ लोग खा लेते हैं, इस तरह प्रॉन्स वगैरह के बारे में। यार मेरा दिल बड़ा कर रहा है कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, लेकिन नहीं, मतलब नहीं खाना चाहिए। मतलब मुझे अगर कन्फर्म हो जाता फिर मैंने खा लेना था, लेकिन अभी मैं ये नहीं खा रहा। लाइव श्रिम्प्स, कैन यू ईट? No English. No speak English. oh, live stream. Yeah. Yes. Very good. Very good. Very good. Very good. वेरी गुड, वेरी गुड। ओए वन मोर। बशीर मुंह में पड़ुक पड़ुक कर रहा है। ओके 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 ओके, वी कैन नॉट ईट इट। खला, हमें तो लाइव शो देखने को मिल गया लाइव श्रिम्प के साथ।
Can you eat it? Yeah. Oh, God, my. We are done. Bang. You. No. तो बच्ची अच्छा खिलाता हाँ सबसे पहले मेरे हाथ से पकड़े इसने ही है और पकड़ के सबको खिला रहा है मैंने कहा तू खा कहता नो 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 ले जी खवातीन और उनके हजरात आज बैंकॉक थाईलैंड में हमारा डे फोर यहाँ पे खत्म होता है ये ओवरऑल मार्केट का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था कैसा मजा आया बहुत अच्छा था यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा तो पहला दिन था वैसे लेकिन आज इतना सुबह से अब तक जलील हुए थे ना इस जगह पे इस जगह मजा आया मुझे तो बहुत मजा आया वाकई बहुत मजा आया अच्छा उमेर तू कुछ भी खाए बगैर कैसा रहा तूने कुछ खाया क्यों नहीं सिर्फ ये बता हाँ मीठी चीज़ें खाई हैं नमकीन चीज़ें नहीं खाई खैर ये ओवरऑल अगर आप कभी भी बैंकॉक थाईलैंड आओ तो इस मार्केट में लाजमी आना इसमें हमने तो सिर्फ 6-7 चीज़ें खाई हैं अपनी पसंद की इसमें कोई 150-200 स्टॉल्स हैं डिफरेंट फूड के आपको ऐसा सब खाना देखने को मिलेगा उसके अलावा बेसिकली ये साथ में लंडा भी है एक तरह से मतलब शर्ट्स ट्राउजर्स एनके खिलौने ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी साथ में पार्क है तो एक अच्छा मतलब फन टाइप सीन हो जाता है आपकी नाइट मार्केट बड़ी अच्छी है ये खैर इस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें कुछ भी करें भाइयों को दुआओं में याद रखना इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है अल्लाह हाफिज़